हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय होम मेकिंग जर्नी बाय अपर्णा। होप ऑल आर डूइंग गुड। दिन था शनिवार का और हम गए थे मेक्सिको हमारा I-94 रिन्यू कराने। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी वर एंटरिंग मेक्सिको। पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद I-94 को अप्लाई करना होता है टू कंटिन्यू योर स्टे इन USA। US से बाहर जाके वापस US में एंट्री करना होता है और इसीलिए हम मेक्सिको गए थे। सैन डिएगो में मेक्सिको बॉर्डर है। हम बाय रोड गए थे और USA में गाड़ी पार्क करके वी वॉक टू एंटर मेक्सिको। इसे सैन यसिद्रो पोर्ट ऑफ एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन सैन डिएगो एंड तिजुआना एंड द फोर्थ बिजिएस्ट लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड। मेक्सिको का सराउंडिंग थोड़ा बहुत इंडिया जैसा था। हमने एक दिन का पास लिया था टू एंटर मेक्सिको और पहले हमने सोचा था कि हम वहाँ पे थोड़ी देर स्पेंड करेंगे, थोड़ी आसपास घूमेंगे और फिर USA में रिटर्न होंगे। पर USA रिटर्न का जो लाइन था काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। देन वी डिसाइडेड कि चलो लाइन में ही रुक जाते हैं। तो मेक्सिको में एंटर करते ही वापस हम USA में एंट्री करने वाला जो लाइन है उस लाइन में खड़े हो गए थे। बहुत सारे लोग थे। ऑलमोस्ट 5 आवर्स हम लाइन में खड़े थे टू एंटर यूनाइटेड स्टेट्स अगेन। बाय लैंड फर्स्ट टाइम ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। बहुत सारे लोग हैं जो डेली US और मेक्सिको अप डाउन करते हैं, जैसे कि इंडिया में पुणे टू बॉम्बे। और घर लौटते वक्त हमने डिनर ब्रेक लिया। लास्ट टाइम जब हम सैन डिएगो आए थे विज़िट करने, तब हमने इसी रेस्टोरेंट में खाना ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा था, तो सोचा यहीं पे चलते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है रॉयल इंडिया, तो वहाँ पे हमने डिनर किया। लंच हमने ठीक से किया नहीं था, तो डिनर अच्छे से किया एंड देन वी लेफ्ट फॉर होम। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पोहा चिवड़ा की रेसिपी। इस चिवड़ा को स्पेशली दिवाली के टाइम पे बनाया जाता है, पर जनरली मैं इसे ऑन एंड ऑफ बनाते रहती हूँ। घर में सभी को पसंद है। एज अ टी टाइम स्नैक या छोटी सी भूख के लिए ये परफेक्ट है। चिवड़ा बनाने के लिए मैंने थिन पोहा यूज़ किया है। पहले पोहा को मैंने छलनी के हेल्प से अच्छे से छान लिया है ताकि उसमें जो भी पाउडर है वो अच्छे से अलग हो जाए और पोहा साफ़ रहे। और फिर मैंने उसे थोड़ी थोड़ी बैचेस में अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है। इससे पोहे में अच्छा सा एक क्रंचीनेस आएगा और लंबे समय तक ये फ्रेश रहेगा। तो हाफ पैकेट मैंने अभी यूज़ किया है, हाफ मैं कभी और बनाऊंगी। तो उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने रेडी कर ली है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो ये मैंने मेरा बड़ा सा कुकर लिया है, उसी में बनाऊंगी। तो तेल लिया है, तो तेल में पहले ये जो पीनट्स है उनको अच्छे से हम फ्राई करके अलग से निकाल देंगे। पीनट्स अच्छे से फ्राई होने के बाद उनको मैं अलग से एक प्लेट में निकाल दूंगी और अब हम चूड़े के लिए तड़का देते हैं। तो कुकर में मैंने और थोड़ा तेल ऐड किया है। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे राई। तेल आप पोहे के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। राई ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा उसमें ऐड किया है और फिर ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से मैंने फाइनली चॉप करके ऐड किया है। फिर ऐड किया है गार्लिक। यहाँ पे गार्लिक ऑप्शनल है, अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड किया है करी लीव्स। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है रेजिन्स। इससे पोहे में बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है, मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। और रेजिन्स को अच्छे से भूनना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और स्लाइस किए हुए ड्राई कोकोनट को मैंने ऐड किया है। रोस्टेड चना दाल ऐड किया है एक मुट्ठी भर। और मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर। तड़के में ही हल्दी पाउडर आप ज़्यादा करके ऐड करना, अगर आप बाद में इसमें ऐड करोगे तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। तो हल्दी पाउडर ऐड करके वो जो हमने रोस्ट करके पोहा रखा था वो उसमें मैं बैचेस में ऐड करूँगी। पहले थोड़ा ऐड किया, फिर अच्छे से मिक्स किया और फिर बाकी का मैं ऐड करूँगी। और पोहा को मैंने मिक्स करके ऐसे कुकर उठा के टॉस किया है। इससे अच्छे से वो मिक्स भी हो जाता है
और पोहा टूटने का भी डर नहीं रहता। या फिर आप कोई शार्प जो करछी है उससे आप बस साइड साइड से मिक्स कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक भी मैंने ऐड किया है और अच्छे से इसे हमें बीच बीच में टॉस करते रहना है, मिक्स करते रहना है ताकि वो नीचे से जले ना, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो में रखा है। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है जो होममेड है, फाइनली थोड़ा रफली क्रश्ड धनिया पाउडर है। और इसमें पीनट्स में ऐड करना भूल गई थी, अभी मैं ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसे अच्छे से 20 से 25 मिनट हम लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स करते हुए इसे रखेंगे। और ये है शुगर पाउडर, तो मेरे पास पाउडर नहीं था तो 2-3 चम्मच शुगर को मैंने मिक्सर में पाउडर करके इसमें ऐड कर लिया था। और ये चूड़ा बहुत ही स्वाद बनता है, अगर आपने कभी इसे ट्राई नहीं किया है तो यू कैन ट्राई वन। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फिर शाम को बच्चों को जाना था पार्क, तो बस मैं उनको पार्क ले आई थी। काफ़ी देर वो वहाँ पे खेले और मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी और मेरा एडिटिंग का आज काम जो है मैं वो कर रही थी। एडिटिंग और रिकॉर्डिंग सब मैं अपने मोबाइल से ही करती हूँ, तो वो खेल रहे थे और उनको वॉच करते हुए मैंने अपना थोड़ा काम भी कर लिया। और ये नेक्स्ट वीकेंड की क्लिपिंग है, तो लंच में दाल मखनी बनी थी तो चावल के साथ हमने एंजॉय किया। और बच्चों के हेयर कटिंग करानी थी तो हम पार्लर आए थे, तो बस पहले स्निग्धा का टर्न था तो वो काफ़ी खुश थी और वो जो पूरा प्रोसेस है वो एंजॉय कर रही थी और अच्छे से और बहुत ही पेशेंटली बैठी थी। और हेयर कट के बाद वो बहुत ही क्यूट एक डॉल की तरह लग रही थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और वन्या के बाद स्निग्धा के बाद वन्या का भी हेयर कट करना था। वन्या के बाल बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, कुछ स्टाइल वगैरह नहीं किया है, बस नीचे से ट्रिम किया है, काफ़ी लंबे थे तो सोचा थोड़ा कम करते हैं। और दोनों ही बड़ी खुश थी, तो बहुत टाइम से पेंडिंग था तो ये काम भी आज हो गया। संडे को लंच में बनाया था पूरी के साथ छोले, और अरबी को मैंने एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया था, तो ये था यम्मी सा संडे का लंच। लंच करने के बाद आफ्टरनून में टाइम था तो सोचा किचन में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, तो काउंटर पे जहाँ पे मैं तेल ऑयल बॉटल्स वगैरह रखती हूँ तो सोचा इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट लुक देते हैं। तो फ़िलहाल तो ये जो 3 टायर का स्टैंड है उसके ऊपर ही मैंने सारे प्लेस किए हैं, तो अभी मैं पहले इन सब को निकाल के उस एरिया को अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। तो बॉटल्स वगैरह मैंने सब हटा के स्टैंड भी हटाया है। ये एक स्टैंड है, ये मैंने डॉलर स्टोर से परचेज़ किया था यहाँ पे USA में। घर के किसी भी कोने में थोड़े बहुत भी हम अगर चेंजेस करते हैं तो उसे एक नया सा और एक डिफरेंट सा लुक आता है। यहाँ की चीज़ हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं और कहीं और यूज़ करने वाली चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट बाइंग। जो घर में चीज़ें हैं उनको ही हम अगर रोटेशनल बेसिस में यहाँ वहाँ चेंजेस करें तो भी बहुत डिफरेंस होता है और अच्छा भी दिखता है। तो ये बास्केट्स मैंने IKEA से परचेज़ किए थे, तो ये मैं कहीं और यूज़ कर रही थी तो सोचा अभी इनको किचन में यूज़ करते हैं। तो उस पर मैंने टिश्यू लगाया है नीचे, और ये ऑयल बॉटल्स हैं, इनको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। पहले एक सेट मैंने लिया था, अच्छा लगा तो मैंने और एक परचेज़ किया। तो पहले बास्केट में मैंने तेल रखा है, 3 डिफरेंट टाइप्स के तेल रखे हैं, मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल और सेसमे ऑयल, ऐसे 3 नहीं 4। और दूसरे जो बास्केट है उसमें मैंने एक स्पून का स्टैंड रखा है, सॉल्ट रखा है और घी का एक डब्बा रखा है, और ये जो जिंजर गार्लिक का क्रशर है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ चाय बनाने वक्त, उसे रखा है। तो बस उनको मैंने अच्छे से सेट किया है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ।
और बस ये जो मेरा मैट है वो लगा दिया है, और ये मेरा स्पून होल्डर। तो बस एक छोटी सी चेंज मैंने की है और पूरा जो इस एरिया का लुक है टोटली चेंज हो गया है। और वो जो थ्री टायर का स्टैंड रखा था वो काफ़ी आगे तक आ रहा था, इसलिए वो जो काउंटर स्पेस है वो कम हो रहा था। इस बास्केट के वजह से और थोड़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है और लुक भी नया है। आपको ये चेंज लुक कैसा लगा डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और बच्चे यहाँ पे लेगो के साथ टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, और वन्या ने अपने रूम के लिए कुछ प्ले रूल्स बनाए थे। तो पहले बुक में उसने लिख लिया था कि क्या क्या रूल्स है, और फिर मैंने उसको पेपर की ऐसी जो चार्ट पेपर है उसके ऐसे कटिंग्स बनाई थी, तो उसमें वो लिख के ऐसे मार्कर से ड्रॉ कर रही थी। तो यही था आज का व्लॉग। वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग मेरे चैनल को, स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। मेरे चैनल में और भी कई सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, DIY ऑर्गेनाइजेशन, मॉमी लाइफ इन USA, मेरे रूटीन व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, डू चेक देम। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।